फिर से नए ब्लॉग में नए दिन के साथ आप सभी को सुप्रभात। तो देखिए धूप आ चुकी है और मेरे फेस पर धूप पड़ रही है ना, हाँ 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 सुबह की धूप, और साथ ही साथ भोलेनाथ पे भी सूर्य भगवान की किरणें फैल चुकी हैं देखो। और मैं बैठी हूँ अभी मोमटी में और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। आज मैंने किया आदित्य को तैयार, और बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो फिर उन्होंने खुद ही होना है तैयार। तो मेरा मन करता है कभी कभी उसको तैयार करने के लिए, लेकिन वो क्या है ना कि जिद करके खुद ही तैयार हो जाता है। और नीचे देखना सुबह सुबह गेट पे कौन आया, ओए भूत के ले, इसकी मम्मी इसकी दीदी को छोड़ने गई और ये गेट पे आ गई कि तब तक ये मेरे साथ रहेगी। अंदर आएगी, अंदर आएगी, गेट खोल, मैं नहीं खोल सकता तो फिर किस काम का है तू, ना स्कूल जाना है बस खाती रहेगी। मैं आऊँ नीचे तो मैडम जी को अंदर लाना पड़ेगा। और मौसम के हाल ये है, फिलहाल धूप लगी है, पाला भी गिर रखा है देखो, ये रखा पाला। व्हाट आर यू ईटिंग बेबी, हैं क्या खा रहा है तू? रोटी। अरे रोटी नहीं खाते यार, मैगी खाते हैं आजकल के बच्चे। चलो अंदर, चलो चलो, स्कूल नहीं जाना है इसने, स्कूल क्यों नहीं गई तू? हैं हट जा, मैं खुल उठ झाड़ बड़ी पद पता नहीं कहीं की। चलो मैं भी झाड़ू मारती हूँ। सो गाइस मेरा झाड़ू पोछा इज कंप्लीट, ये देखो। और यहाँ गद्दा, एक सिर्फ एक ही गद्दा रखा है मैंने धूप में भी। दो बच्चे आने वाले हैं, बच्चों का ना स्कूल में कंपटीशन की तैयारी चल रही है, तो 10 बज गए हैं, 10:30 बजे उनकी छुट्टी हो जाएगी, लगभग 11:05-10 पे वो आ जाएंगे। और मैं भी करती हूँ नाश्ता, मुझे भूख लगी है, लेकिन पहले करते हैं अपने बदबूदार मुंह को साफ। गाइस मैं चलती हूँ अपना नाश्ता बनाने, और मैंने सोचा कि नाश्ता बनाते बनाते मैं थोड़ा सा अपने ये जो पिंपल हो रखे ना इन पर मुल्तानी मिट्टी लगा दूँ, इन दानवों को थोड़ा सा संहार कर लेते हैं मुल्तानी मिट्टी से, बहुत दर्द कर रहे हैं। तो चलो मैं नाश्ता बनाती हूँ। तो गाइस नाश्ता बनके रेडी है और मेरा फेस भी सूख गया है, इसको धोते हैं। और बच्चे भी आने वाले हैं, बच्चे भी घर में आके ही नाश्ता करेंगे, उनको मैंने हल्का फुल्का दिया था टिफिन में। और मैंने बनाए हैं आलू के पराठे, पर बड़ा वाला नहीं आया, आदित्य कह रहा है 2 बजे आएगा। तो छुट्टी तो बाद में होती है ना, लेट में प्राइज़ मिलना था, मैम ने तो कहा था जो नॉन पार्टिसिपेट है वो 10:30 बजे आ जाएंगे। आदित्य के आ गए मज़े, इसकी मजे आ गए, ये छुट्टी ये जल्दी आ गया ना घर। तो मेरा आदर्श अब 2:30 बजे आएगा, मैंने उसके लिए बना के रखे थे पराठे, 2 पराठे इसके लिए बनाए थे। फटाफट कपड़े चेंज हो गए हैं कि मतलब खेलने जाना है, बाहर नहीं निकलना तो। गाइस क्या है ये देखो, हमारे बचपन के दिन, चूरण। हमारे टाइम पे ये शायद 1 रुपए का 4 आता था या 2 आता था, मुझे इतना आइडिया नहीं। और अभी भी ज़्यादा महंगा नहीं है, 1 रुपए का 1 है ये चूरण। अब बचपन में ना बहुत खाते थे हम, बहुत इसी को बस मम्मी पापा ये दिला देते थे तो बहुत खुश हो जाते थे, मतलब शाम इसी में कट जाती थी हमारी इसको खाते खाते। और हमारे टाइम पर ये डबल पार्ट में भी आता था, एक तरफ खट्टा काला वाला और दूसरी तरफ ये मीठा मीठा, तो आधा हम खट्टा खाते थे आधा हम मीठा। और आज बहुत टाइम बाद मुझे दिखाई दिया तो मैं ले आई हूँ 5, और मैं भी इसका आनंद ले रही हूँ, लेकिन ये गीला हो गया और आगे से चिपक गया है। अम्मा ये चूस निकले, अच्छा ना गिरा क्यों रहे नीचे, अच्छा नहीं लग रहा, पोछा मेरी बैरम खा जा, जा ये पली तरीके से खाता है यार तू, बाहर जा चल, पड़ बाहर जा। तो चूरण खाते हैं, और आज मैं दाल चावल नहीं बना रही हूँ, रोटी भी है और पराठे बचे हुए हैं, आदर्श के हिस्से के पराठे भी वहीं बचे हैं, पराठे भी हैं, रोटी बनाऊंगी मैं और सब्जी है, और बस
सो गाइस दिन भर के बाद आज ब्लॉग बन रहा है शाम के 5 बजे और बच्चे ना पटाखे फोड़ फोड़ के इन्होंने सारी दुकान खाली कर दी मेरे बच्चों ने और बगल के बच्चों ने। और अभी शाम को बना रही हूँ मैं वीडियो, डायरेक्ट सनसेट होने वाला है। वो देखो पीछे वो है हमारे सूरज, सूरज भगवान, सूर्यदेव, वो छिपने वाले हैं। और मैं जा रही हूँ सब्जी लेने। और आज स्पेशल बात ये है कि हमारे वो आ रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड आ रहे हैं और वो लेट में आएंगे, वरना वो ही लेके आते सब्जी। बट मुझे जाना पड़ रहा है, सुबह दुकान गई थी, फिर मुझे स्कूटी बाहर निकालनी पड़ेगी। और ये देखो मेरा क्लिप कहाँ आ रखा है, इतना नुकीला, किसी की आँख निकल जाएगी इसे। तो चलो चलते हैं, सब्जी वगैरह लेके आते हैं और मैं अंदर से, और बच्चों को भी नहीं बता रखा मैंने। अब हम ना एक दो, अभी इसके पापा जितने भी 2-3 बार आए ना, तो हम कभी नहीं बताते बच्चों को, तो बच्चे सरप्राइज हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं, तो अच्छा लगता है। लेकिन वो थोड़ा सा पापा पे चिपकते हैं, उसके बाद वो सीधा थैले के अंदर घुसते हैं कि हमारा चौकोपाई और जो भी कुछ चटर पटर होता है ना बच्चों का, वो उसको ढूंढ के बैठ जाते हैं। और पता नहीं ब्लॉग भी कैसे कैसे क्या, अब तो बिजी शेड्यूल रहेगा, क्योंकि एक इंसान के जुड़ने से घर में बहुत कुछ चेंजेस आ जाते हैं, वो भी ड्यूटी वाला इंसान, वो भी जेंट्स आदमी, तो खाने पीने में आपको पता ही है जेंट्स लोगों के साथ कितना चेंजेस हो जाता है। और इतने टाइम बाद छुट्टी आते हैं, तो होता है ना वहाँ का रूखा सूखा खाया हुआ रहता है, तो लगभग मेरा ज़्यादा टाइम स्पेंड बस किचन में ही, मतलब कुछ ना कुछ बनाते रहो इस टाइप से। कभी हम लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं तो व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर के सारे काम भी निपटाने होते हैं मुझे। और मुझे आदत हो गई है बच्चों के साथ रहने की, कि बिल्कुल घर एकदम ऐसे नीट एंड क्लीन चाहिए होता है मुझे, तो मुझे मैसे बिल्कुल पसंद नहीं है। और जेंट्स लोग क्या करते हैं, वो 2 बार भी मार्केट जाके घर पे आएंगे तो पूरे कपड़े जो मतलब अदली बदली करते हैं, तो पूरा बेड पे फैला देते हैं, दरवाजे पे टंगे रहते हैं, बाथरूम में टंगे रहते हैं। और मैं बहुत मतलब बस इसी काम को करते करते मेरा पूरा दिन बीतता रहता है और व्लॉग बनाना हो जाता है मुश्किल। तो देखते हैं कल से व्लॉग कितना बनता है। तो फिलहाल मैं चलती हूँ, मेरा हाथ पटा गया रे, फ़ोन पकड़ पकड़ के। तो फिलहाल मैं चलती हूँ सब्जी लेने। है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना दुआ ना मदद चाहिए। पटाखे रखा हुआ इन्होंने बाहर, बाहर पटाखा रखा है। मैं चली गई थी मतलब, अबे कहाँ पे रखा है बता तो दो, मैं ना फट जाऊं कोई, फूटेगा ना किसी दिन, देखना फिर। रुक रुक, मुझे मुझे अरे मुझे गाड़ी निकालने दे पहले। अरे फुक्कू बार तू के साथ ऐसे नहीं करते छिड़काने। मैं आ गई हूँ सब्जी लेके, और कल जो मैं राई लेके आई थी ना लगाने के लिए, वो भी नहीं लगाई मैंने, सच में ना बिहार में छुई उम्र लग गया नहीं, रात हो गई छा, रात कंके लगाने से। तो अभी थोड़ा सा उजाला है इसको, फटाक से लगा देती हूँ मैं, फटाक से फुर। और मैंने, मुझे भूख लगी है, मैं अपने लिए लाई हूँ स्प्रिंग रोल, अपने लिए क्या मतलब बच्चों के लिए भी, क्या करूँ पहले स्प्रिंग रोल खाऊँ, कुकु स्प्रिंग रोल ला रखी दे दो, एक पूरा पेट पूजा ही कर लेते हैं। मोमोज खाने थे यार, मुझे मन कर रहा था, लेकिन वो बना रहे थे, स्टीम नहीं दिया था, मैंने कहा अब तुमको 10-15 मिनट स्टीम में लगेगा, तो इससे अच्छा है कि फटाफट से स्प्रिंग रोल तल के ही दे दो। तो मैं ले आई हूँ स्प्रिंग रोल, और भरी भरी भूख लग गई मुझको, मतलब तो आज मैंने रोटी खाई थी यार, लेकिन फिर भी भूख लग गई, 3 रोटी खाई थी मैंने दिन में, 3 चावल नहीं खाया था, जबकि चावल हल्का होता है, रोटी से तो पेट भर जाता है, पर क्या करूँ भूख लग गई। तो चलिए मैं करती हूँ इंजॉय। सो गाइस मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और मैंने रखी अपने लिए चाय, और आपको थोड़ी देर में ही करने वाली हूँ मैं, टाटा बाय बाय। क्यों तो घर के चार मतलब चारों तरफ कोनों के आंगन तो साफ़ रहता ही है, बैक साइड इधर उधर मैंने साफ़ कर लिया है, लेकिन अब मैंने अपने हस्बैंड के लिए रखे हैं, एक तो पर्दे निकालने उन्होंने और जाले वो काम मैंने उन्हीं के लिए रखा हुआ है। और इस बार मैं सीढ़ियाँ भी लेके आऊँगी, क्योंकि जब वो घर में नहीं होते हैं ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है पंखे साफ़ करना, और मुझे पंखा साफ़ करने में तो डर लगता है। हाँ पंखा जाला ये 2 उन्हीं के लिए रखे रहते हैं मैंने काम, सो अब यही काम होगा कल से, लेकिन पहले मैं सीढ़ी लेके आऊँगी इस बार, तब हम ये काम करेंगे। तो सीढ़ी लेके आऊँगी, तो कभी ड्यूटी भी होते हैं ना, तो मुझे कभी कर्टेन चेंज करना होता है, निकालना होता है, या फिर सीढ़ी की बहुत ज़रूरत होती है यार घर में, मैं कब से कह रही हूँ उनको, लेकिन पिछली बार भी ऐसे ही दिन निकल गए थे छुट्टी के। तो इस बार मैं सीढ़ियाँ लेके आऊँगी, और ये पर्दे हैं ना लॉबी के, साल भर हो गया इनको,
मैंने धोई नहीं है, कहाँ से धोती, मैं निकाल नहीं सकती। टेबल एक बड़ा ऊंचा, लेकिन वो भी साथ में उठाने वाला चाहिए कोई, तो बस ये ऐसे ही है। बाकी जो छोटे 7 फुट के हैं उनको तो मैं तकड़े तकड़े के निकाल ही देती हूँ गाइस, और वो तो साथ है बस। कल हमारा जाला निकालने वाला और पंखा साफ करने वाला इंसान आने वाला है हमारे घर में, और उनसे करवाऊँगी सफाई, और बाकी यही काम है। बाकी तो हमारा आपको पता ही है इतना सारा काम होता है। और व्लॉग भी यहीं पे एंड करने वाली हूँ मैं, क्योंकि मुझे बनाना है खाना और बच्चे कहीं सुन ना रहे हूँ, वरना बच्चों को पता चल जाएगा। तो मैंने खाना बनाना है, और आपको बताइए बहुत टाइम बाद कोई घर में आए, कोई नहीं मतलब कि हस्बैंड घर में आए, तो फिर थोड़ा स्पेशल ही बनता है ना। पेरेंट्स लोगों के साथ ना दाल सब्जी थोड़ी चटनी वगैरह वगैरह चलता है, और हमारे यहाँ तो बिना सिलवट्टे के नमक के काम नहीं चलता, तो मुझे सिलवट्टे में नमक भी पीसना है, लहसुन अदरक और हरी धनिया और मिर्च वाला। और सब्जी दाल बनाएंगे, आटा मलना है, ब्ला 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 बहुत सारा काम है। तो चलिए मैं व्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड, और आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा ना। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं इसी आशा के साथ कि आप सब अपना प्यार बनाए रखेंगे व्लॉग में, और लाइव भी ज्वाइन कर लीजिए, कर लेना यार दोस्तों, लाइव ज्वाइन कर लेना बस। अब तो हमारा सफाई 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 सफाई, कभी लॉन्ग ड्राइव, कभी कुछ कभी कुछ, कभी इधर चले जाओ, कभी रिलेशनशिप में चले जाओ, बस ऐसे ही टाइम बीतता है और व्लॉग बनता ही नहीं है। ओके फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलता है आपको, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सुप्रीम।